मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, मत्ती की इंजील 5वां बाब उसका 8वां वचन। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, हिंदी में धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम जानते हैं कि जब इंसान पाप का गुलाम बन गया तो उसके प्राण और आत्मा में पाप के उस जहर का सबसे बड़ा असर हुआ है। परमेश्वर से संबंध टूट गया। और शैतान करता क्या है, लोगों को धार्मिक रीति रिवाज देता है और बाहर के कुछ नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि एक व्यक्ति का ध्यान बाहर की बातों पर रहे, हृदय की या दिल की सच्चाई से हटा देता है। दिखावे पर ज्यादा जोर होता है। आज हम लोगों को जब देखें, वो अंदर के शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बाहर के प्राण के उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसारिक चीजें भी शैतान देता है आशीष के तौर पर, जिससे मनुष्य अपने अंदर के पवित्रता पर ध्यान ना दे। मसीहत ईसाई धर्म नहीं, मसीहत एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन है जो परमेश्वर के साथ के संबंध पर आश्रित है। उसका आधार परमेश्वर के साथ का संबंध, बाहर के कुछ नियम और आज्ञाओं या कुछ रीति रिवाजों पर आधारित नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को अनुभव करता है, उसके आनंद को, स्वर्ग के शांति को अपने जीवन के तूफान के बीच में अनुभव करता है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भीड़ को उपदेश दे रहे हैं। धन्य है वो जिसका मन दीन है, जिसका मन शुद्ध है, जो पाक दिल है, तभी परमेश्वर के नजदीक हम जा पाएंगे। परमेश्वर कपटियों से नफरत करता है। प्रभु यीशु ने कहा वो ऐसे हैं चूना फिरी हुई कब्रों के समान हैं, जो बाहर से जो अच्छी दिखती हैं लेकिन अंदर सब सड़ी गली है। संसारी की इच्छाएं अभिलाषाओं ने दुर्गंध फैलाया हुआ है। प्रभु यीशु के सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा का तो बपतिस्मा लिया है मन फिराव का, लेकिन वो बपतिस्मा काफी नहीं है जो उन्हें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएगा। उनका हृदय परमेश्वर के मेमने के पवित्र खून से शुद्ध हुआ हो तो ही वो परमेश्वर को जान पाएंगे। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि मनुष्य शुद्ध दिल से परमेश्वर के नजदीक आए, अपनी भावनाओं में, अपनी इच्छाओं में। वो पाक दिल, वो शुद्ध मन परमेश्वर यही चाहता है, कपट के साथ नहीं। शुद्ध मन का मतलब क्या है कि अपना निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं। प्रेरित पौलुस भी कुरिन्थी के कलीसिया के विषय में कहते हैं, मैं तुम्हें मसीह के सामने पवित्र कन्या के तौर पर उपस्थित करना चाहता हूं, जिस जो बिल्कुल शुद्ध है, कोई कलंक नहीं। कलंक का मतलब अपना निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, वो निष्कलंक मन के साथ। प्रभु यीशु कहते हैं जो शुद्ध दिल के साथ हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक तौर पर देखेंगे,
क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं है, देख नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ वो धन्य सौभाग्य कि जिसका मन बच्चे की तरह बिल्कुल शुद्ध है, कोई पाप छुपा नहीं है, वही परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकेगा। बच्चों को जरा देखें, कितने शुद्ध होते हैं, कितने निष्कलंक होते हैं, उनके अंदर कोई बुराई दिखछुपती नहीं है, इसलिए कोई भी क्रूर इंसान भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। और एक बच्चे का मुस्कुराहट एक थके हुए व्यक्ति के जीवन में वो आनंद ले आता है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे मेरे हृदय को आप शुद्ध करें, धोए, हर पाप पापी भावनाओं से इच्छाओं से मुझे धोकर शुद्ध करें, ताकि मैं तुझे पूरे दिल से प्यार करूं। हम अपने चाल चलन में ध्यान रखें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके योग्य, उसके इच्छा के अनुसार हम चल सकें। और हम जब उसकी उपस्थिति में हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी मसीह के कद तक बढ़े। और एक और बात, जिसका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर अपना मुंह उनसे कभी हटा कर नहीं रखेगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का मौका दिया। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु शुद्ध मन के साथ, पाक दिल के साथ आपके साथ चलने के लिए आप हमें सहायता करें। हमारा जीवन आपको प्रसन्नदायक हो, हम अपने लिए जीने वाले नहीं, वरन आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता करें। एक निष्कलंक मन से चलने के लिए सहायता करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम एक एक को आशीष दे, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष और प्रेरणा का कारण हो। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, मारा नाथा था।